सब तो चलिए, आज की वीडियो है विंटर से रिलेटेड। और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप विंटर के जो भी बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं, ठीक है, जैसे इनर हो गया, या फिर मतलब चाहे आपकी पजामी हो गई, चाहे आपका इस टाइप से कोई स्वेटर हो गया, चाहे वो वेलवेट का हो या फिर नॉर्मली वो इस टाइप से हो, ये फर वाला हो, या फिर आपका नॉर्मली मतलब विंटर वाला कपड़ा हो जो है आपका गर्म हो, ठीक है। तो आप उससे आप कैसे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ठीक है, आप जूती बना सकती हैं। जूती कह लीजिए, सॉक्स कह लीजिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ कि आप लोग अपने जैसे बच्चों के कपड़े बेकार हो जाते हैं, ठीक है, छोटे हो जाते हैं, तो आप उनको कैसे आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है, मैंने इस वाले, देखिए ये जो स्वेटर है, ये वाला, ये छोटा हो गया था, तो मैंने इस वाले स्वेटर से जो है सॉक्स बनाए हुए थे, उसकी पिक मैंने आपको देखिए शेयर कर दी है। तो आप लोग देख लीजिए कि इस टाइप से मैं आप लोग को सॉक्स बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि हम मेज़रमेंट्स कैसे लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमारा पैर होता है जिस भी शेप का, ठीक है, तो आप अपने पैर को रखिए, ठीक है, जैसे हमने अपने पैर को रखा, ठीक है, हमारा पैर जिस भी शेप का है, ठीक है, जितने भी हमारे पैर की लेंथ है, ठीक है, और विड्थ है। विड्थ हमारे पैर का सबसे ज़्यादा जो चौड़ा हिस्सा होता है वो ये वाला होता है। तो हम अपने पैर को एज इट इज़ हम उसको इस तरीके से करके ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, चाहे जिस भी साइज़ का आप बना रहे हो, ठीक है, चाहे अपने छोटे बच्चे का बना रहे हो। देखिए जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है ये वाला होता है, ठीक है, ये लेंथ हो गई। तो ये तो हमारा एक बेसिक पैर पैर का जो है, देखिए बेस बन गया नीचे का, ठीक है। आप देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, आप दो लेयर का भी बना सकते हैं, आप इसमें फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो जिस तरीके से ये वाले इस वाले स्वेटर से बनाया हुआ है, तो मैंने देखिए इसमें दो वाले दो चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। एक मैंने ये वाला, जैसे इनर होते हैं ना बच्चों के, इनर छोटे हो जाते हैं, देखिए मैंने, तो मैंने दो लेयर बनाने के लिए, अंदर के लिए मैंने ये इनर इनर यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। और ऊपर जो हमें ऊपर जो मेन जो फैब्रिक रखना है वो इस टाइप का आप रख लीजिए। बाकी आप अगर और थोड़ा सा सॉफ्ट बच्चे का करना चाहते हैं, तो आप जो है अपने इस फैब्रिक के और इसके बीच में आप फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर फॉर्म को आपको पहले क्विल्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपको फिक्स हो पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम एज इट इज़ अपने ऐसे पैर को रखेंगे, चाहे बच्चे का हो चाहे आपका हो, रख कर, और आपको एज इट इज़ उसकी शेप जो है ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, और आपको कट कर लेना है, ठीक, सिंपल आपको कट कर लेना है। देखिए मैंने जो ये पैर अपने बेटे का ड्रॉ किया हुआ है, तो देखिए इसकी लेंथ है पैर की 7 इंचेस, देख पा रहे हैं, 7 इंचेस, ठीक है, और जो वाइडेस्ट पार्ट जो है वो है 3.5 इंच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है, ये हमने बेसिक अपना पैर का बेस कर लिया। अब हमने ऊपर का जो बनाना है, ऊपर का हमारा जैसे 7 है, ठीक है, तो हम 8 इंचेस, 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक। और अगर हम किसी बड़े का बना रहे हैं तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लेंथ में, सिर्फ इतना फर्क होगा, ठीक है ना। और विड्थ में हम 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे, बच्चे के में भी और बड़े के में भी, ठीक। हम पजामी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनर ही हो। देखिए यहाँ से फोल्ड है ना इनर, ये पजामी जो है, तो हम यहाँ से हम ले लेते हैं, हमें फोल्ड भी मिल जाएगा और हमें आसानी भी रहेगी। 7 इंचेस था ना ये वाला, ठीक, 7 इंचेस था, तो हम कितना लेंगे यहाँ पर 8 इंचेस, ठीक है। तो देखिए हम, मैं 8 इंचेस पे मार्क लगा देती हूँ यहाँ से, आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा ये कितना था, 3.5 ना, तो 3.5 में हम 1 इंचेस करेंगे, तो 4.5 हो जाएगा, और ये हमारा फोल्ड है तो 4.5 का 2.25 होगा ना, तो हम 2.25 पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये हम बॉक्स बना लेंगे इसका, ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन गया, ये देखिए ये हमारा बॉक्स बन गया।
अब हम सिर्फ एक साइड पे इस पे राउंड शेप देंगे, सिर्फ एक साइड पे जो हमारा आगे की तरफ रहेगा ना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ एक सिर्फ एक साइड हम राउंड देंगे, बाकी एक तरफ हम स्ट्रेट रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए हमने अपने बच्चे के पैर के हिसाब से या अपने पैर के हिसाब से हमें ये चीज़ देख लेनी है, हमें कितना कवर कर रहा है बच्चे के पैर को, ठीक है। ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ठीक है। हमें जितना इसको कवर करना है, ठीक है, उतना हम मेज़र कर लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट ना बच्चे के पैर से भी कर सकते हैं या अपने पैर से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मुझे जितना कवर करना था वो आ रहा था मेरा 4.5, ठीक है। तो देखिए मैंने उसी हिसाब से इस पर नहीं, हम इस पर निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक, मैंने देखिए इस पे 4.5 पे यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है। अब जब आप बड़े का किसी का अपना बना रहे हैं या बड़े का बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच तक भी आप शेप ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारा ओपन एरिया होता है जहाँ से हम पैर अपना इंसर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर 1 इंच भी ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हमें बच्चे का बना रहे हैं तो हम 1/2 इंचेस हमारा इनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, देखिए हम विंटर के लिए बना रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हमें खुला खुला भी नहीं बनाना है, तो हम यहाँ पर 1/2 इंचेस या फिर हम बहुत ही एकदम बंद सा रखना चाहते हैं अगर सॉक्स को तो है, तो हम इसमें यहाँ पर बहुत और भी हम मतलब हाफ का भी हम हाफ ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने ये शेप दी हुई है, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे ये हमारा पूरी लेंथ हो गई। ये हमने यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे इतने पोर्शन को, ठीक है, इतने पोर्शन को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप चाहे तो देखिए मैं आपको एक और बहुत यूज़फुल चीज़ बताती हूँ, आप चाहे तो देखिए ये इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने तो डायरेक्ट यहाँ से काट दी, आप देखिए थोड़ा सा इसका सीम अलाउंस लेके कट कर सकते हैं। आप चाहे तो देखिए यहाँ पर जो है राउंड में इस इलास्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रिप भी बन जाएगी बच्चे के पैर पे, और जो है वो नीचे भी, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कि छोटे बच्चे के सॉक्स बहुत जल्दी से निकल जाते हैं पैर में से ना, तो इस करके आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये इलास्टिक जो है ना, अगर आपकी इलास्टिक ठीक है देखिए, तो आप हल्की सी इसमें सीम अलाउंस रखते हुए कट कर लीजिए अलग से, और इसको फिर आप यहाँ पर इधर आप राउंड में अपने स्टिच कर लीजिएगा, जिससे कि ग्रिप बन जाएगी बच्चे के पैर पे, ठीक है। तो आप ये इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको बहुत मतलब कोई भी चीज़ फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें 2 पीस चाहिए क्योंकि हम 2 पैर का बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसी को ही डबल फोल्ड कर लेती हूँ और मैं एक साथ ही कट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे 2 पीस ऐसे कट जाएंगे, ये देखिए हमारे 2 पीस कट गए। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर शेप दी हुई है, ठीक है, मैं इस शेप को भी कट कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक। और ये यहाँ पर जो मैंने ये लगाया था, ये वाला निशान जो है जिसमें से हम पैर इंसर्ट करते हैं, हम इसको भी कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हल्की सी हम गोलाई देते हुए कट करेंगे, आप चौकोर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से बन के आएगा, देख रहे हैं आप, इस तरीके से कुछ बनकर आएगा ये, ठीक है। देखिए 2 पीस बन गए। अब हम इसका भी एक पैर और कट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 2 पीस बन गए हमारे, ठीक, ये 2 पीस बन गए, ये हमारे 2 पीस बन गए। अब मेन फैब्रिक जो हमें, ये तो हमने एक सॉफ्ट बेस रखने के लिए बना लिया, ठीक है। अब हम इसमें जो मेन फैब्रिक जो यूज़ करेंगे, हम जिस फैब्रिक से बनाएंगे इसको, वो हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रेचेबल ही लीजिएगा जो है कपड़ा, ठीक है, जिससे ये आप बच्चे के जो है वो बहुत आसानी से आ जाए, ठीक है। देखिए पहले हम इस तरीके से इसे प्लेस कर लेते हैं ताकि ये इजीली हमारा ऐसे कट कर ले हमें से, ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरीके से प्लेस कर लिया, अब मैं इसको एज इट इज़ कट कर लेती हूँ। देखिए अब मैं आपको इसे स्टिच करना बताती हूँ, ठीक है ना। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं इसे खुद स्टिच। देखिए ये हमारा है राइट साइड, ठीक है, सबसे पहले हमें इसको ही फिनिश करना है, ठीक है। ये हमारा राइट साइड है, एक,
ये हमारा राइट साइड है, ठीक है, दो पैर है हमारे, ठीक है, ये हमने इनको अच्छे से प्लेस कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने ये लिया था, ठीक है, इसको हमने इस पर ऐसे रखना है और हमने सिर्फ यहाँ पर स्टिच चलानी है, सिर्फ इतने पर स्टिच चलानी है। ये हमारा बीच का कट जाएगा, ये मैंने फर की वजह से नहीं काटा है, अगर नॉर्मल फैब्रिक है तो मतलब इस टाइप से अगर फैब्रिक है तो देखिए आप कट कर सकते हैं, लेकिन फर में क्या होता है ना पता नहीं चलता फैब्रिक, तो इसी करके आप पहले स्टिच लगा लीजिए उसके बाद आप इसको कट कर देना बीच वाले पोर्शन को, ठीक है। ऐसे ही देखिए हम ये वाला पीस रखेंगे, ठीक है, इसको भी हमें एज इट इज ऐसे ही स्टिच चला लेंगे, ठीक है, स्टिच चलाकर और हमें इसको सीधा कर देना है यहाँ पर, जो हमारा ये शेप है ना यहाँ पर हमें छोटे से नॉचेस लगाकर इसको सीधा कर लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा ये पीस भी बिल्कुल रेडी, ठीक है। अगर देखिए आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं तो आप बस देखिए इस वाले पीस में आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जहाँ आपका नीचा होगा, ठीक है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है, एक ही पैर के ना हो जाएं दोनों, देखिए ये, देखिए ये एक ही पैर के हो जाते दोनों ना, ठीक है, तो इसको आपको ऐसे रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चीज़ तो देख लेना है आपको अच्छे से, ठीक है, कि दोनों पैर का ये बेस बन गया, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये नीचे आएगा हमारा, ये अंदर हमारे एक सॉफ्टनेस के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बस इसको हम फिनिश नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम एक कच्चा कर लेंगे ताकि ये हमारा हिले नहीं जोड़ते टाइम, ठीक है, इन्हें हम सिर्फ कच्चा करेंगे और इसको हम यहाँ से स्टिच लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इतना करके फिर मैं आप बताती हूँ मैं आपको इसके बाद हमें इसे कैसे जोड़ना है। तो देखिए ये मैंने देखिए स्टिच चला ली है इन पर, ये देखिए मैंने फिक्स कर लिया है ये, देखिए, ठीक है, ये देखिए अब हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है, बीच में से जो हमारा एक्स्ट्रा है ना इसको हम कट कर लेते हैं, यहाँ पर हम नॉचेस लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी हल्की सी राउंड शेप है ना, आप चाहें तो देखिए यहाँ पर स्टिच भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए ताकि इधर उधर से हिले नहीं, आप पूरा राउंड में भी इसको फिक्स कर सकते हैं, इस तरीके से आ जाएगा ये हमारा। इसको सिर्फ मैंने एज इट इज इसको बस फिक्स किया हुआ है, इसको नहीं मैंने टर्न कुछ किया, सिर्फ मैंने इसे इसके साथ फिक्स किया है बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे और इसका सिर्फ एक मिड निशान लगा लेंगे, ठीक है, सिर्फ एक मिड निशान लगाएंगे इधर भी और इधर भी, ठीक है, दोनों तरफ। अब हमें इस मिड से इसका भी मिड लेकर हम हाफ हाफ स्टिच करेंगे, ठीक है, ये है हम इसका मिड रखेंगे, ठीक है, और देखिए ये बहुत आराम से इसको खींचना नहीं है हमें, बिल्कुल भी नहीं खींचना हमें, बहुत आराम आराम से इस मिड से लेकर यहाँ तक हमें पूरा स्टिच चलाना है, ठीक है, ऐसे करके। अब इसी तरीके से हमें इस वाले मिड से इस वाले मिड तक हमें लगाना है, बस हम पूरा क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ हम थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर हम छोड़ देंगे, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप अपने बच्चे को इसको पहना कर देख लीजिए या आप पहन लीजिए, ठीक है, फिर जितना भी हमारा यहाँ पर लूजनेस है, ठीक है, या जितनी भी हमारा लूज आ रहा है आप उसी हिसाब से यहाँ पर इसको बंद करके स्टिच चला दीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसे बाद में इसे फिक्स कर दीजिए, लास्ट वाला जो है ना यहाँ पर ये बाद में आप इसे फिक्स कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए मेरा तो एग्जैक्ट आ रहा है साइज राउंड में पूरा, बाकी आप अपना पहनकर देख लीजिएगा या आप अपने बच्चे को पहनाकर देख लीजिएगा, अगर ये फिक्स आता है फिर आप इसे पूरा फिक्स राउंड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको स्टिच लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम सीधा कर दिखाती हूँ किस तरीके से ये हमारा
बनकर आएगा। ये मैं इसको देखिए ऐसे राउंड में मैंने स्टिच कर लिया, और ये देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे जितना भी आपके बच्चे का पैर हो या आपका हो। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये आपके आपके पास अगर कोई गरम कोई आपका कपड़ा दूसरा जो लेयर का है वो आपका आपके पास ब्लू कलर का हो तो आप ब्लू भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मेरे पास इनर इसी कलर का था तो मैंने ये वाला फैब्रिक यूज कर लिया है। आपके पास जैसा भी हो वैसा यूज कर लीजिए। ये देखिए ये हमारे दोनों पैर के बन गए। ये देखिए एक बन गया इस पैर का, एक बन गया इस पैर का। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक और बहुत यूजफुल सी एक टिप देती हूँ। अगर आप लोग ये देखिए सॉक्स बना लिए, ठीक है, और अगर आप लोग इस यहाँ पर देखिए आप अगर आपके पास ग्लू है तो ग्लू गन है अगर तो आप यहाँ पर भी डॉट्स रख सकते हैं इस पर ग्लू गन से डॉट्स, या इस तरीके से आप लाइन बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप इलास्टिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपका बच्चा स्लीपर पहनता है, चप्पल पहनता है, जैसे कुछ बच्चे चप्पल नहीं पहनते, कुछ बच्चे जूते पहनते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप जैसे मैंने तो सीधे राउंड लिया है, आप इसमें इस तरीके से अंगूठे का शेप भी दे सकते हैं, अंगूठे का शेप दे के और फिर अपनी फिंगर्स का शेप भी आप कट भी इसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये दोनों साइज के आप बना सकते हैं, आप बड़े बच्चे के छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं, बड़े बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो, देखिए यूज़फुल आपको तभी लगेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे, तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी या नहीं लगी। ठीक है, और अगर यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए आज की वीडियो थी यहीं तक, और बाय बाय, टेक केयर।